मार्क ट्वेन ने लिखा है, यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दें तो वो आपको नहीं काटेगा। हरिशंकर परसाई कहते हैं, कुत्ते में और आदमी में यही मूल अंतर है। जिंदगी का इतना बारीक सच इतने मजाकिया अंदाज में कह देने वाले कलम के महामानव थे हरिशंकर परसाई जी। हमारे देश में ह्यूमर और सटायर को एक ही समझा जाता है, जबकि दोनों में बहुत फर्क है। ह्यूमर यानी हंसाना और सटायर यानी हंसाते हंसाते रुला देना, सोचने पर मजबूर कर देना। इस फन में शायद हरिशंकर परसाई का मुकाबला रहती दुनिया तक कोई नहीं कर पाएगा। कटाक्ष करने में परसाई जी पारंगत थे। जब अज्ञेय को आंगन के पार द्वार के लिए एकेडमी अवार्ड मिला तो पूरी दुनिया ने उनको बधाई दी और परसाई जी ने एकेडमी को ही सवाल दाग दिया, पहले अवार्ड क्यों नहीं दिया, उम्र कम थी इसलिए। ट्रेजेडी तो यही है कि हमारे यहां प्रतिभा को उम्र के इंची टेप से नापा जाता है, जबकि दोनों में कोई कनेक्शन है ही नहीं। सटायर का यह बादशाह 10 अगस्त इसी महीने में 1995 को यह दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन उनकी कहानियां हमें आज भी हंसा हंसा के रुलाती रहती हैं, सोचने पर मजबूर करती रहती हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा हरिशंकर परसाई की एक बेहद लोकप्रिय कहानी, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें हमारी धरती के एक इंस्पेक्टर को चांद पर बुलाया जाता है ताकि वहां का पुलिसिया सिस्टम थोड़ा सुधारा जा सके। जब जमीन का पुलिस वाला आसमान पर पहुंचता है तो क्या होता है, और जो होता है वो कितना मजेदार है और कितना थॉट प्रोवोकिंग, कितना कॉमिकल और कितना ट्रेजिक, ये तो आपको कहानी सुन के ही पता चलेगा। परसाई जी के विकराल टैलेंट और मेरे वक्त का लिहाज करते हुए ये कहानी पूरी सुन लीजिएगा। बीच में चले गए तो उनकी आत्मा और मेरी अंतरात्मा दोनों को बहुत तकलीफ होगी और आपको भी वो रस नहीं आएगा जिसके लिए ये कहानी डिजाइन की गई थी। तो अगर आप ये कहानी पूरी सुनते हैं तो एंटरटेनमेंट गारंटीड है। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं है, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है, मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। ये बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वह भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है, वो अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहां रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृहमंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, ऐसा करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रवेश नगर की जय, सबका जा हृदय राख कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पेक्सा। पेक्सा यानी इंस्पेक्टर साहब का शॉर्टकट, पेक्सा जी पेक्सा। FIR रख दिए जी पेक्सा, और रोज नामचे का नमूना जी पेक्सा। वो यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर की जशकी के बखत अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। जशकी मतलब डिलीवरी,
जो माता दीन जी के यहाँ डिलीवरी होने वाली है, उस डिलीवरी के वक्त अपनी खटला मतलब पत्नी, अपनी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पेटसा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पेटसा, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। यहाँ मकान का मतलब घर वाली से है, पत्नी से। माता दीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे बीच अंतरिक्ष में चलान काट दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दीन ने कहा, जानता हूं बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूं। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पेटसा पेटसा, एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वह यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ है ही नहीं। माता दीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रौब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग पुलिस लाइन ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन है, हम जानते नहीं। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे, उन्होंने सीता माता का पता लगाया था, एबडक्शन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दे, अदालत में जाने का झंझट ही नहीं। मगर ये सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए, वह उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं, मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ, उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है, वो अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण मिल नहीं रहा था, एकाएक उनकी बुद्धि में चमक आ गई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर दिखाओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है, आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं ना, इसलिए। सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है, आखिर पुलिस अपराधी को पकड़े क्यों? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं तो वो 24 घंटे जुर्म की तलाश करते रहते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। ये जो तनख्वाहें बताई हैं परसाई जी ने, ये कहानी तकरीबन 1972-73 के आसपास लिखी गई थी, तो आप सोचें कि ये उस वक्त की तनख्वाह है, 100 और 200। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर ये तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है, आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई थी। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझबूझ की तारीफ करता हूं, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी, 100 रुपयों में सिपाही बच्चे को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट मेंटेन नहीं कर सकता, उसे ऊपरी आमदनी करनी पड़ेगी और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वो अपराधी को पकड़ेगा, गरज कि वो अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा।
हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वो आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वह कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना भी तो जरूरी था। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके दिखाएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आके बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है उसने उठाकर अस्पताल भेजा, उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के धाग लग गए। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वो सब ठीक है पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहां जाओगे, जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वो भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है। चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों। उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुकता से उन्हें देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है पर मैं पूछता हूं, झगड़े की जगह जाना ही क्यों। इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कहता रहा, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों। इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई तो कातिल है, किसी को सजा होनी है, सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इसका निर्णय इन बातों से होगा। पहली, क्या वो आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। दूसरी, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। माता दीन को बताया गया कि वो आदमी भला है पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वो वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोंक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले ये बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है, सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा। और फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे, तुम तो भरो FIR। माता दीन जी ने FIR भरवा दी, बखत जरूरत के लिए थोड़ी खाली जगह भी छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो, ऐसा तो चंद्रलोक में कभी हुआ नहीं, बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे से तुम्हें बेकसूर को छोड़ते हुए शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है, जब आपके पास कोई आए तो उससे कह दो, हम जानते हैं वो निर्दोष है पर हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वो SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी यही कह दें कि ऊपर से हो रहा है। तब वो IG के पास शिकायत करेंगे, IG भी यही कह दें कि ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंच जाएंगे, पुलिस मंत्री भी यही कह दें कि भैया मैं क्या करूं, ये सब तो ऊपर से हो रहा है।
तो वो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कह दें कि मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है, पर ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वो है? माता दीन ने कहा, बस तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछ कर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, वो इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम भी इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह ले आओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दीन ने सिर ठोंक लिया, किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वो नहीं है जो देखे, बल्कि वो है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता यार, डिपार्टमेंट कैसे चलाते हो? अरे, चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहां ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं, और हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवीय शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूं, 8-10 उठाईगीरों को बुलाओ, जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो या शराब पीते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए, बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा, उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम तो वहां थे ही नहीं। माता दीन जानते थे पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे ये मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि ये आदमी पागल है, कैसी उठपटांग बात कर रहा है। वो हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वो बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने गुर्रा कर देखा, कहा, कैसे देखा? सो मैं बताता हूं, तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है, हर एक को कम से कम 10-10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करते रहना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वो घबरा कर बोले, साहब, हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक है, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा, देखा ना? वो बोले, देखा साहब, वो आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वो बोले, साहब, जो आप कहेंगे वो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया, होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो यार, काम करने दो। कोतवाल पैरों से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़े रहना चाहता हूं। माता दीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी, FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी, पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा थी। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदी खुली जीप पर बैठे थे, आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वो हाथ जोड़कर अपनी गृहमंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वो पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ, गुप्त अधिवेशन था इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकरा कर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते हुए मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दो। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वो एकदम बूढ़े हो गए थे, लगा कई रातों से सोए नहीं है। रुआंसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं,
अब आप कल अपने देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, देखिए मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, अरे हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक ये रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वो पत्र खुल गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले भाले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता इस डर से कि वो कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वो डरता है बाप मर गया तो कहीं उस पर हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं आता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें बचाता नहीं इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वह यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में वापस बुला लिया जाए। Thank you.